तो यार ये सीन कुछ ऐसे थे कि हमने आईफोन लिया था नया, थोड़े पैसे जमा किए थे, उसे जमा करके लिया था, तो उससे पहली वीडियो। अब हम वहाँ पे बस स्टॉप पे जाने वाले हैं क्योंकि आज हमारा ऑफ भी है, और मैंने सोचा था आज दुबई मॉल देख के आऊँगा क्योंकि दुबई मॉल जो है मैं पहले नहीं गया था। तो हम मेट्रो से सबसे पहले निकले थे, तो मेट्रो से निकल के हम दुबई मॉल की तरफ जा रहे थे। ये बुर्ज खलीफा का एक व्यू है। मेट्रो से हम निकलते ही जब दुबई मॉल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक लेन आती है। ये लेन जो है ये डक्ट आपको बुर्ज खलीफा तक लेके जाती है। ये बहुत बड़ी डक्ट होती है, लंबी है, काफ़ी चलते चलते बंदा इसमें थक जाता है। तो फाइनली हम दुबई मॉल के अंदर एंटर हुए। ये बालकनी थी दुबई मॉल की, मतलब एंट्रेंस वाला रास्ता था। स्टॉल लगे हुए थे साइड्स पे, तो मैं फ्रंट व्यू पे चेक करता किस तरह की बनती है वीडियो। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे मोबाइल कवर्स डिज़ाइन किए जाते थे हर तरह के, जिस तरह के आपने डिज़ाइन करवाने, मोबाइल कवर डिज़ाइन करवाते थे। या हर तरह की शॉप जो है दुबई मॉल में, हर ब्रांड, हर स्टॉल, हर चीज़ अवेलेबल थी, जिस तरह ड्रैगन मार्ट में अवेलेबल होती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। तो उसके बाद जो है हम असल में देखने आए थे यहाँ पे फाउंटेन। उसके बाद जो है ये दुबई मॉल का मेन एरिया था जहाँ पे हॉल वगैरह होता है। हम थर्ड फ्लोर पे थे, सेकंड फ्लोर पे थे हम, तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ पे है ना फाउंटेन वगैरह कहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़ की सहूलत दी हुई है उन्होंने, आपने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना आपको हर चीज़ का उन्होंने बताया हुआ है। तो हम इस तरह अपना फ्रंट का भी व्यू लेके देख रहे थे कि किस तरह की वीडियो बन रही है, बन भी रही है सही या नहीं बन रही। तो ये कंप्यूटर शॉप थी, ये इस तरह आपके इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस यहाँ पे मिलती हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। और बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल जो है वो दुबई मॉल है। तो जाहिर बात है फिर घूमते घूमते फिरते फिरते आप कुछ देर तो थकोगे ही। हमने फिर उसके बाद जो है अपने लोगों से पूछा कि वाटरफॉल कहाँ है, वाटरफॉल कहाँ है। मैंने वाटरफॉल नहीं देखी थी, मैंने वाटरफॉल देखनी थी। तो वहाँ पे लिखा होता है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, यहाँ पे लिखी होती है कि आपने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो वाटरफॉल का हमें रास्ता मिल गया था, अब हमने सिर्फ जाना था। तो फिर हमें पता चला कि एक्वेरियम जो है वो नीचे है, हम सेकंड फ्लोर पे थे, एक्वेरियम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे था। ये ऊपर आसमान जैसा उन्होंने बनाया हुआ था, सितारे टिमटिमा रहे थे। तो फिर हम एक्वेरियम देखने के लिए एक्वेरियम के नीचे जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तो दरमियान में ये जहाज़ उन्होंने काट के लगाया हुआ था। एक्वेरियम का एक रास्ता ये था, यहाँ से आप टिकट्स लेके एक्वेरियम के अंदर जा सकते थे, लेकिन आप अगर टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते तो जाहिर बात है फिर आप बाहर से जाएंगे। टिकट्स लेने के लिए ये रास्ता था, यहाँ से आप टिकट्स कलेक्ट करके तो फिर जो है नीचे जाते थे। ये वाला जो एरिया था ये माइनर एरिया था, ये तो स्क्रीन है, लेकिन ये जो है ये रियल फिशेस थी। इनमें ये वाली फ़िश भी है, मुझे इसका नाम नहीं आता, अगर आपको नाम आता है तो कमेंट्स में इसका नाम बताएं। उसके बाद इसमें शार्क फिशेस भी थी, छोटी फिशेस भी हैं, बहुत सारी फिशेस थी इसमें। इनमें से एक शार्क थी, वो मेरा ख्याल ऊपर नीचे चली गई थी, लेकिन बहुत से बच्चे, बहुत से लोग ये वाली वीडियो इंजॉय कर रहे थे, अपनी मतलब वीडियोस बना रहे थे लोग, ये वाला सीन इंजॉय कर रहे थे। फिर वो जो सामने एंट्रेंस है ना, वो टिकट लेके आप एक्वेरियम के नीचे जा सकते हो। लेकिन आपको पता है हम लोग गरीब लोग हैं तो हम लोग बाहर बाहर से देखेंगे। तो ये जो करीब का एरिया है यहाँ पे भी टिकट है, लेकिन वो अंदर जाने की टिकट ज़्यादा है। यहाँ पे ये जो लोग ये लाइन के अंदर हैं इसकी भी टिकट है, ये बस ये है कि ये इसके करीब जा सकते हैं। मुझे तो इस टिकट का कोई फ़ायदा नहीं लगा क्योंकि हम भी उतना ही करीब थे अप्रॉक्सीमेटली जितने वो करीब थे। तो हमने भी यहाँ पर सारा कुछ व्यू वही लिया जो उन्होंने लिया, लेकिन अगर वो अंदर जाने वाली टिकट जो है वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वो पूरा आसमान जो है वो मछलियों का एक्वेरियम का बन जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है सीन। तो ये देखें यहाँ पे ये भी फिशेस हैं, ये वाली फिशेस भी थी, ये सारी फिशेस जो हैं ये इस एक्वेरियम में थी। तो अब हम दोबारा अपने वाटरफॉल की तरफ निकले, वाटरफॉल को ढूंढने के लिए, कि वाटरफॉल ही नहीं मिल रहा था, पूरा म्यूज़ियम घूम लिया। तो फाइनली वो सामने जो है वाटरफॉल जो है मुझे नज़र आ गया। तो मुझे फिर वहाँ जाके पता चला कि यहाँ पे दो वाटरफॉल हैं। ये जो गाड़ी है ये आपको ट्रैवल करवाती है, अगर आप थक जाएँ तो इसकी फ़ी नहीं होती, वैसे ही गाड़ी पूरी दुबई मॉल में घूम रही होती है। ये था जी वाटरफॉल, दुबई वाटरफॉल दुबई मॉल में जो है ये। अब हम ये भी नीचे जाके देखेंगे नीचे से ये कैसा लगता है। ये था नीचे, अभी हम सेकंड फ्लोर पे ही हैं। ये वाला भी जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे है, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ से जाके आपको दिखाएंगे। ये जी फर्स्ट फ्लोर पे इस तरह का व्यू आता है इसका, आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दो है यहाँ पे, एक वो है वो छोटा है थोड़ा सा विड्थ में, हाइट सेम है,
और एक ये है। फिर हम दुबई मॉल से बाहर निकले, बाहर बिल्कुल डाउनटाउन है, बुर्ज खलीफा का एरिया है, ये देखिए आप डाउनटाउन का एरिया, साथ में लेक व्यू जहाँ पे फाउंटेन डांस भी होता है रात को बुर्ज खलीफा के सामने। फाइनली ये बुर्ज खलीफा है, इसके सामने हार्ट वाली एक शेप की ये वाली चीज़ है, यहाँ पर लोग पिक्चर्स बनाते बहुत, लेकिन धूप थी, सूरज बैक साइड पर था, तो हमने पिक्चर नहीं बनाई, ना कोई हमारी पिक्चर बनाने वाला था, हमने बनाई लेकिन इतनी नहीं बनाई। तो फाइनली हम दुबई मॉल में वापस गए। तो इस तरह का ये व्लॉग ख़त्म हुआ, बाकी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।